इसे 15 और 17 ये भी सहपा संख्या तुम समझ रहे होंगे। सहपा संख्या कि बच्चों जिन्हों के कोई भी पहाड़ा साझा नहीं होंगे आपस किसी पहाड़े पर भी नहीं कटदी। लो बेटे हम आप सवाल कर शुरू कर जा रहे हैं। पहले सवाल की है सिद्ध करो कि अंडर रूट पांच एक अपरमेय संख्या। हाँ जी इन बेटे आप सिद्ध हल करने वास्ते सब तो पहला यदा उल्ट मान लेना बड़े सौखे तरीके समझावांगी। सवाल ध्यान दियो सारे बच्चे इंपोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू नाल पेपर च आ जाता होंगे ये सवाल। आपां की करते हैं यह है तो अंडर रूट पांच अपरमेय संख्या आप भी करते हैं अंडर रूट पांच अपरमेय संख्या पर हम इन सिद्ध किवें करना। मान लो अंडर रूट पांच एक परिमेय संख्या है आप उल्ट मान लिया अपरिमेय का उल्ट की मान लिया परिमेय। हाँ जी ए मतलब अंडर रूट पांच बराबर कि लिख सकते हैं पी बटा क्यू के रूप च। अंडर रूट पांच बराबर है पी बटा क्यू जिथे पी और क्यू सहपा संख्यावां हन अते क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। हुण आपां की करांगे दोवें पासे वर्ग करन ते इहदा वर्ग करांगे अंडर रूट पांच का भी वर्ग कर देंगे ते पी बटा क्यू का भी वर्ग ही कर देंगे। इधर तो बन गया जो अंडर रूट वाली रकम का आप वर्ग करते हैं तो अंडर रूट खत्म हो जाता ये की बन जाता पांच। इधर बन गया पी दी दो क्यू दी दो। हाँ जी हुण इधर इधर क्यों जो थले उधर दूजे पास जाऊगा उपर समान चले जाऊगा ही मल्टीप्लाई हो जाऊगा पांच क्यों की दो बराबर है पी दी दो अपने को पी दी दो बराबर कि आ गया पांच क्यों की दो जो आप कह सकते हैं। हाँ जी मैं इतने लिखता बेटे लाइन मारती उस तो बाद आप इतने अगे चले जाते हैं। हाँ जी अपने को आ गया क्यों की दो बराबर है पी दी दो बटा पांच ये ना मतलब ये हो गया जो पी पी है पी की दो है पांच नाल विभाजित होंगी है उस तो यह पता लग गया सानू कि पी की दो जो है ये पांच नाल विभाजित होंगी है इस तो पता लगता है कि पी की दो पांच नाल विभाजित जे पी दी हुण जे किसी रकम का वर्ग जिहड़ा उस किसी डिजिट नाल विभाजित हुंदा है तो वह उस नाल भी विभाजित होएगा। जिवें फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानू एग्जाम्पल दिंदी हाँ जिवें हुण तीन की दो है तीन की दो नूं मैं तीन नाल डिवाइड किया तीन की दो ने तीन नाल डिवाइड किया हुंदा यह आ गया तीन गुणा तीन कट के आ गया तीन। तो जे यह पी कला की है तीन तीन ने भी तो डिवाइड होंगी है ना यदा मतलब जे रकम किसी दी रकम का वर्ग जरा किसी अंक नाल डिजिट नाल विभाजित होंदा तो वह उस डिजिट नाल भी विभाजित होएगा। इहदा मतलब असीं लिखांगे इसलिए पी दा एक गुणनखंड पांच होगा। तो यह हो गया कि जरा पी है वह एक गुण खंड पांच होगा पी पांच नाल विभाजित होगी। हाँ बेटे हूँ इन्हें तारना है तुम तार लियो हम दोबारा करिए अगे करिए अपने को पहला पॉइंट की आया पहला पॉइंट अपने को आया पिछले स्टेप दे विच अपने को आया सी पांच क्यू दी दो बराबर है पी दी दो जां आप कह सकते हैं क्यू दी दो बराबर है पी दी दो बटा पांच पिछले केस से आया अपने को नंबर एक हूँ तो अपन पता लग गया कि यह पी भी यदा गुणनखंड है इसलिए हूँ आप करांगे पी बराबर है इसलिए पी का एक गुणन खंड पांच है इसलिए पी बराबर है पांच ए बी सी ए आर एम कुछ भी अक्षर ले सकते हैं जिमें पंज ती पंद्रह कुछ भी हो सकता ना अंक इसलिए मैं ले लिया पांच एम पांच गुणा एम ले लिया हम तो पी बराबर कि ले लिया मैं पांच गुणा एम पांच एम ले लिया हूँ यदि वैल्यू जी मैं ये भरा पी की कीमत
ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ 5Q2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਾਂਗੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ 5m ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5Q2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 25m2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ Q2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 25m2/5। ਇਹ ਵੀ ਕੱਟ ਗਿਆ 5×5=25। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ Q2 ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 5m2। ਜਾਂ ਆਪਾਂ 5 ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ Q2/5 ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 5 ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਊ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 5 ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ 5 ਨਾਲ ਵਿਭਾਜਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਨਾਲ ਵਿਭਾਜਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੀ ਦੇ ਥੱਲੇ 5 ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਊ ਦੀ 2 ਦੇ ਥੱਲੇ 5 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਊ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 5 ਨਾਲ ਵਿਭਾਜਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ Q2 5 ਨਾਲ ਵਿਭਾਜਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ Q ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣਨਖੰਡ 5 ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਇਹ ਨੰਬਰ 2 ਲੈ ਲਓ, ਨੰਬਰ 2 ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਹੈ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊ ਆ ਉਹ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕੀ ਸੀ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀ ਅਤੇ ਕਿਊ 2 ਸਹਿਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੀ ਅਤੇ ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣਨਖੰਡ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ 5 ਸਾਂਝਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਛੁਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ। ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਪੀ ਅਤੇ ਕਿਊ ਦੋਵੇਂ ਹੀ 5 ਨਾਲ ਵਿਭਾਜਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਮੂਹਰੇ, ਉਹ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣਖੰਡ ਸਾਂਝੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਖੰਡ 5 ਹੈ, ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ √5 ਇੱਕ ਅਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਪਰਿਮੇਯ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ। ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ ਬੱਚੇ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ।